नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों टाइम था, सोचा चलो आपके साथ रैंडमली बातें करता हूँ रिगार्डिंग दुबई जॉब। काफ़ी टाइम से एक खुले दिल से वीडियो नहीं बनाया था, मतलब कोई ना कोई टॉपिक लेके ही वीडियो बनाता था, तो आज सोचा चलो टाइम है तो एक वीडियो बना लेता हूँ। दुबई जॉब टॉपिक है, फैक्ट्स पे बात करेंगे, जॉब के ऊपर बात करेंगे कैसे जॉब्स है क्या है। तो आजकल दोस्तों मुझे ना कुछ ईमेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं ना, तो लोगों का क्या हो गया, लोगों के पास पैसे बहुत हो गए। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है मगर ऐसा ही है। मुझे काफ़ी सारे मैसेज ऐसे आते हैं ना कि सर आप चाहे तो हमारी एक सैलरी ले लो, 70,000 ले लो, 1,00,000 ले लो सर, मगर हमें जॉब चाहिए, डायरेक्ट जॉब चाहिए। और जैसे अपने चैनल का क्या मोटो है दोस्तों कि मैं गाइड करता हूँ लोगों को, जैसे मेरा मोटो ये होता है ना कि आपके पैसे बचे, आपके पास पैसे रहे, खुद सर्च करो जॉब, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से जॉब पाना है। ऐसा नहीं कि उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं रहती है। आजकल की जनरेशन का यही प्रॉब्लम हो गया। नॉर्मली देखा जाए तो गरीबी लगती है, बहुत लोगों के पास अभी कोरोना की वजह से पैसे नहीं है, मगर पता नहीं कुछ लोगों के पास बहुत पैसे है जो मुझे ऑफर करते कि सर जॉब लगवा दो, इतने पैसे ले लो। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता भाई, ठीक है। तो आजकल लोगों को ना हार्डवर्क नहीं करना है, आसानी से चीज़ें चाहिए, इजीली चीज़ें चाहिए, खुद कुछ नहीं करना है। मतलब सर जॉब दे लो, कोई बंदा है आपके पास, अभी अभी इंस्टाग्राम पे मैंने एक मैसेज देखा है कि सर आपके पहचान में कोई बंदा है तो बताओ, मतलब हमें जल्दी है थोड़ी। अरे ऐसा नहीं होता, इसी चीज़ में, इसी बात में ही मार खाते हो आप और चूना लग जाता है आपको, क्योंकि यही एक चीज़ होती है ना जिसमें एक बात दो बात पता चलती है, आपके पास पैसे भी है और आप जल्दीबाजी हो। मतलब ना जो कुछ लोग होते हैं ना इसी चीज़ का फायदा उठा लेते हैं और आपसे पैसे लेते हैं और अच्छा चूना लग जाता है, जॉब भी नहीं मिलता। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, ट्राई करो, हार्डवर्क करो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा दोस्तों, मगर मिलता ही मिलता है दुबई जॉब। इतना भी MPSC UPSC नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आपकी सैलरी का, आपके फील्ड का जॉब देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारी बातें करनी है आज, मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे कौन सी बातें करनी है। आजकल की जनरेशन ना एक पल में डिसीजन लेना है, मतलब जॉब मिल जाता है किसी को ना, मैंने बहुत सारे ये भी लोग देखे ना, यहाँ पे आते हैं जॉब करना है सर, कोई भी जॉब कर लूंगा, कितने का भी जॉब कर लूंगा, और यहाँ पे जब जॉब मिलता है ना 1-2 महीने 3 महीने करेंगे, उसके बाद डिसीजन चेंज करना है, सर यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरी करनी। इस तरीके से माइंड सेट नहीं रखो अपना, ठीक है ना, दूरदृष्टि रखो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं यहाँ पे 7 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, 7 साल से हूँ मैं UAE में, तो ऐसा ही नहीं हूँ टिक के रहा हूँ। मैं आपको एक मेरी खुद की बात बताता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जब नया आया था, न्यू था, तो मेरे घर के पास वाला एक यहाँ पे रिलेटिव नहीं बोल सकते, पहचान वाले थे जो मुझे मिलने के लिए आए थे यहाँ पे, मतलब वो भी आए थे तकरीबन 1-2 महीने बाद। तो उन्होंने मुझे एक ही बात पूछी थी कि क्या प्लान है फिर आगे का, मैंने कहा यहाँ पे रहना है अभी, मतलब सोचो मैंने 7 साल पहले ही दिमाग में रखा था कि मैंने यहाँ पे रहना है और यहीं पे रहना है। तो वो हो जाता है, ऐसा नहीं कि भाई दिमाग अपना चलते रहो, वो चंचल दिमाग वाले वो नहीं बनना है कभी भी। अपने फील्ड का काम देखो, किसी और फील्ड का काम देखते हो ना तो क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ना बंदा बोर हो जाता है, और सैलरी के चक्कर, सैलरी कम वाला जॉब कभी भी नहीं ज्वाइन करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी फील्ड का जॉब देखो, आपकी सैलरी का जॉब देखो। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर जॉब ही नहीं मिल रहा। अरे क्यों नहीं मिल रहा वो भी सर्च करो, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं मिल रहा। जैसे अपने चैनल का पहले मोटो ये था ना कि इंडिया से आप जॉब सर्च करो, आजकल मैं थोड़ी सी उसके ऊपर वीडियोज़ कम बनाता हूँ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो गया, अभी आउटसाइडर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद है, तो क्यों मैं वीडियोज़ बना के आपका दिमाग ख़राब करूँ, ठीक है ना। अभी
ये हो रहा है कि वीजा मिलना आसान हो गया, यूए कोई भी आ रहा है यहाँ पे जॉब सर्चिंग कर रहे हैं लोग, तो कंपनी भी क्या ऑफर कर रही है आजकल कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको ही और इजीली ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया में हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग में नहीं लाओ, आपको भी जॉब मिलेगा। बस खुद को प्रिपेयर करो, खुद की गलतियां ढूंढो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस वजह से। मुझे अभी एक इंस्टाग्राम पे मैंने दूसरी एक मैम का मैसेज देखा, वो अपने हस्बैंड के लिए जॉब देख रही है, तो उन्होंने मुझे यही मैसेज किया, सिर्फ काफ़ी जगह पे अप्लाई किया तो मुझे जॉब का कोई ऑफर नहीं मिल रहा, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई दिया अभी कि मुझे आप उनका CV भेज दो, मैंने चेक करना आपका CV रिज्यूम जो है ना आपका चेक करना। काफ़ी सारे लोग जो है ना गलतियां करते बैठते हैं ना, छोटी छोटी गलतियां होती है, बहुत मैंने लो लेवल के CV रिज्यूम देखे दोस्तों, ठीक है ना, बहुत। यहाँ पे आपको एडवांस लेवल थोड़ा बनना पड़ेगा, इजी नहीं होता इतना। आप इंटरनेशनल लेवल पे दुबई में जॉब सर्च कर रहे हो, आप ऐसे, मैंने काफ़ी सारे CV ऐसे देखे ना जो CV का प्रिंट आउट निकालाता है मोबाइल से, दूर से वो एक अलग एंगल से फोटो लिया होता है और वो CV भेज देते, इस तरीके से कैसे आपको जॉब मिलेगा। व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर दोनों जॉब है यहाँ पे, जॉब की कमी नहीं है, ढूंढने का तरीका चाहिए, ठीक है ना। तरीका बात काटता हूँ थोड़ी सी, वर्कशॉप शुरू है जूम पे, अपना एक वर्कशॉप शुरू है, ठीक है ना। पर्सनली कुछ लोगों को लेकर ना मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, मोबाइल जूम ऐप पे ही होगा वो। उसमें मैं आपसे बात भी करूँगा, आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा, और 3 घंटे का तकरीबन वो वर्कशॉप होगा जिसमें आपने सिर्फ सुनना है और मैंने सिर्फ बोलना है, उसके बाद हमारी बात होगी। तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हो, एडवांस कुछ टेक्निक्स भी मैंने उसमें बता रहा हूँ। और होता है ना फेस टू फेस बात करके कोई अलग सा फर्क पड़ जाता है, आप बोलोगे वर्कशॉप लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैं उसका भी आंसर अभी दे देता हूँ। 450 वीडियोज़ पहले से पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर अपने टेक गुरु पे, तो भी काफ़ी लोग सारे लोग अभी भी मुझे बोलते हैं सर जॉब नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली वर्कशॉप है ना जिनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो मैं थोड़ा सा जानकर उनसे बात कर ट्राई करेंगे कि उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको जॉब मिले। कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे जो नंबर चल रहे हैं वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, तो जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, जो मेरे साथ टेक ग्रुप के साथ जो काम कर रहे थे ना लोग एज अ वीजा रिप्रेजेंटेटिव, उसमें से 2 लोग जो दुबई में जॉब उनको मिल गया, इंडिया में रह के उन्होंने जॉब सर्चिंग किया, जो मैं टेक्निक बताता हूँ उन्होंने वो किया, दोनों भी यहाँ पे जॉब मिल गया। अभी यहाँ पे एक बंदा भी दुबई में काम कर रहा है, दूसरा बंदा दुबई में काम करके यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस लेके वो शायद अभी मालदीव में चला गया, वहाँ पे उनको बहुत अच्छा ऑफर मिल गया। तो इस तरीके से है, बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब दिमाग से अपने ये बात आप निकाल दो कि दुबई में जॉब करना बहुत बड़ा कुछ है, क्योंकि आप खुद अगर निगेटिव हो तो आपके सारे काम जो है ना वो निगेटिव ही होते जाते हैं। दूर की बात छोड़ो दोस्तों, मैं ये बात कभी नहीं बताता हूँ मैं, मगर मैं खुद भी जब बाहर घूमता हूँ ना, मुझे आपके लिए वीडियो बनाने थे तो मुझे इसके रिसर्च करने पड़ते इसमें, तो तकरीबन 1 महीने पहले मैंने खुद इंटरव्यू दिया है एक कंपनी में, ठीक है ना, और सिलेक्शन भी हो गया। इवन उन्होंने मुझे ये भी बोला आप कब से आ रहे हो, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं सर बात करके ना घर से बताता हूँ, मतलब ये मैं करता रहता हूँ, ठीक है ना। ये आपके लिए होता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, ऐसे हवा में घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ आपके लिए, मैं खुद बाहर निकलता हूँ, क्या सिचुएशन है, क्या कौन से जॉब का क्या है, तो ये सारी कंपनी सोच रही होगी बंदा तो आया था इंटरव्यू दे के चला गया और सिलेक्शन भी हो गया, तो बाद में पता नहीं कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो चलो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे जॉब पाना, ठीक है। खुद को प्रिपेयर करो, खुद को एडवांस बनाओ, देखो अभी आपके जैसे 10 लोग और हैं लाइन में, ठीक है ना, तो कोशिश ये करो कि आप में कुछ तो एडवांस होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना भी नहीं कि कुछ बहुत अलग ही करना है, ऐसा नहीं है, मिल जाता है दोस्तों। बस ये करना, खुद की गलतियां ढूंढना सीखो, खुद की गलतियां ढूंढो, जो गलती आप कर रहे हो उसको ट्राई करो, उसको कम करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दुबई जॉब आप सर्च कर रहे हो, मेरा एक वीडियो देख लिया अभी सर्च किया अभी मिल गया, हाँ मिल जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिल जाता, मगर
टाइम भी लगता है, कुछ कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये ट्राई करो दोस्तों कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट जॉब मिले, किसी को पैसे देने के चक्कर में नहीं पड़ो। इंडियंस की अभी यही थोड़ा सा मेंटेलिटी होगी ना, पैसे दे के काम खत्म करो, ठीक है ना, तो धोखा होता है आपके साथ। इस चक्कर में नहीं पड़ो, जो पैसे चाहे तो आप किसी और को दे रहे हो ना, तो एक एक्सपीरियंस ले लो विजिट वीजा लेकर, यहां पे खुद ही आ जाओ, खुद सर्च करो। आगे इन फ्यूचर आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि इस बंदे को मैंने जॉब पे लगाया, आपको ये खुशी होगी कि हाँ मैंने खुद जॉब ढूंढा और मैं यहां पे अभी जॉब कर रहा हूं। क्योंकि होता ना, एक हार्डवर्क करने के बाद जो सक्सेस मिलता है ना, उसकी खुशी कुछ और ही होती है दोस्तों। चलो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता रहूं। और बहुत बड़ी बात नहीं है दुबई जॉब पाना दोस्तों, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है। बस थोड़ा सा तरीका चेंज करो और खुद की गलतियाँ ढूंढो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरीके से काफ़ी सारे वीडियोज मैं आपके लिए बनाऊंगा। और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो है ना बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।